हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों बहुत बहुत बधाई जिन लोगों को सीट मिल चुका है, यानी सीट अलाट हो चुका है गवर्नमेंट कॉलेज में, जितने लोगों ने अपने हिसाब से कॉलेज चूज करके लॉक कराया था। तो एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो सीट मिल चुका है लेकिन उनको नहीं पता आगे का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या करना होगा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रीज होता है, एक फ्लॉट होता है। पूरा डिटेल में बात करेंगे, आखिर ये फ्रीज और फ्लॉट क्या है, उसमें 3,000 जो सिक्योरिटी फीस का प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और यही कारण होता है कि उनको सीट मिलने के बाद भी प्रोसेस नहीं करा पाते हैं, ना ही कोई और आगे का प्रोसेस नहीं कराते हैं, जिसके कारण उनका सीट ही कैंसिल हो जाता है, फिर वो बेचारे रोते रह जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ है, आपके हेल्प के लिए हमेशा खड़ा है एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल, हमेशा आपके साथ खड़ा है आपके हेल्प के लिए, ठीक है। तो चलिए पूरा बात कर लेते हैं, डिटेल में क्या है समझा देते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपको पता है मैं ऑलरेडी BTUP बोर्ड, यानी जब आप सेमेस्टर एग्जाम पढ़ेंगे तब भी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कर सकते हो, ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, फटाफट में फॉलो कर सकते हो, लिंक सबका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पता है जब सीट अलॉट हो चुका होगा, आपको दो दिन का, आपको पता है एक से दो दिन जो मौका मिला है शेड्यूल में, कि आपको जो फ्रीज ऑफ प्लॉट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो अब फ्रीज ऑफ प्लॉट क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, क्या चीज़ है। देखिए बच्चे, फ्रीज ऑफ प्लॉट प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट आवंटन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से फ्रीज ऑफ प्लॉट करना होगा। यानी अगर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड राउंड तक फ्रीज ऑफ प्लॉट का ऑप्शन मिले, थर्ड राउंड में फ्रीज ऑफ प्लॉट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए क्या है, क्या करना है, प्लॉट क्या है, फ्रीज क्या है। प्लॉट क्या होता है, सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था अथवा पाठ्यक्रम में सुधार के इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में प्लॉट करना विकल्प चयन करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण की सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्लॉट का विकल्प चुनकर निर्धारित सिक्योरिटी न धनराशि 3,000 ऑनलाइन माध्यम से जमा करता है तो द्वितीय तृतीय चरण के लिए अर्ह हो जाएगा, यानी योग हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित सीट तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि उसे कोई अन्य सीट आवंटित न हो जाए। द्वितीय चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी और जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि जब्त की जाएगी। यानी अगर आप थर्ड राउंड में सीट नहीं लेंगे तो आपका जो है सीट भी निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साथ में आपका जो 3,000 सिक्योरिटी फीस दी है वो भी रद्द हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ आखिर क्या है प्लॉट ऑप्शन। फ्लॉट ऑप्शन दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपको जैसे एक कॉलेज मिल गया है, मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप लोगों ने भरा था कोई भी, मान लीजिए कि वाराणसी का, हालांकि गर्ल्स पॉलिटेक्निक है वो गवर्नमेंट, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मान लीजिए आप लोगों के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अच्छे अच्छे कॉलेज भरे थे, लेकिन क्या हुआ आपका जो सीरियल था 8वां या 10वें नंबर पे कोई कॉलेज मिल गया है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझको ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे हो सकता है और ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए और अच्छा कॉलेज मिल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं उसके सीरियल के जहाँ पर आपको सीट जिस सीरियल से प्राप्त हुआ उसके सीरीज के उस ऊपर वाले नंबर से 1, 2, 3 वाले जहाँ से आओगे उसके ऊपर आपको हो सकता है उसमें कॉलेज मिलने की संभावना, यानी उसमें अगर चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, प्लॉट ऑप्शन चूज करें। प्लॉट ऑप्शन चूज करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं, आपको बस क्या करना, प्लॉट ऑप्शन चूज करने के बाद ये 3,000 सरकार को सिक्योरिटी फीस दे देना है, क्योंकि आपको यानी कि आपको आप एडमिशन लेंगे। और हाँ, अगर सेकेंड राउंड तक आप हो सकता है सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड तक आपको उसके ऊपर वाला प्रेफरेंस वाला जो कॉलेज चूज किए हैं वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो जो आपका पहले सीट मिला हुआ है वही रहेगा, यानी उसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपका सीट बर्बाद नहीं जाएगा, यानी आपको कोई दिक्कत अगर उससे अच्छा मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर उसी में एडमिशन लेना होगा। और हाँ, अगर नहीं लेंगे तो भैया आप लोगों ने 3,000 सिक्योरिटी फीस दिया है, समझ लीजिए आप भूल जाइए, नहीं मिलेगा, जब्त कर लीजिए सीधा सीधा, यहाँ आपके जीकअप बोर्ड ने बोल दिया है, काउंसलिंग बोर्ड ने। आगे है फ्रिज का ऑप्शन। फ्रिज ऑप्शन देखिए क्या है, पूरा समझते हैं। जो अभ्यर्थी आवंटित संस्था पाठ्यक्रम में अध्ययन के इच्छुक हो उन्हें फ्रिज विकल्प का चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी फ्रिज का विकल्प चुनता है तो उसे अपने चयनित सहायता केंद्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद अभ्यर्थी के लॉग इन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समय संपूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क की धनराशि जमा किए जाने का विकल्प अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रवेश शुल्क दिए गए विकल्प यथा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित किसी समय तक जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में उनको आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी और तृतीय चरण तक की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेगा, और तृतीय चरण की आवंटित के पश्चात अभ्यर्थी फ्रीज हो जाएगा तथा उन्हें सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अब चलिए बच्चे बात करते हैं यार आखिर क्या है
कि आपका जो है ठीक है, ये क्या है आपका मतलब कि फ्रिज क्या है। फ्रिज देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर आपको जैसे कोई कॉलेज अलाट हो गया तो अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना आपने तय कर लिया, निश्चित कर लिया, तो आपको फ्रिज ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको जो है पूरा संपूर्ण फीस जमा करना है, यानी कॉलेज का जितना फीस होता है आप अपने लॉगिन आईडी से पासवर्ड डाल के वहाँ से फिल आपको जो है। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, आपके हेल्प सेंटर, आपने जब काउंसलिंग फॉर्म भर रहा होगा तो आपको हेल्प सेंटर के लिए ऑप्शन मिला होगा, जो जहाँ उसमें भरा होगा वहीं पर जाके आपको हेल्प सेंटर पर जाके ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा आपके पास आपके लॉगिन आईडी पर एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा फीस पेमेंट का। गवर्नमेंट जितना फीस है पूरा संपूर्ण ऑनलाइन जमा करना, चाहे आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा ठीक है। और एक चीज़ और है, फ्रीज हो जाएगा तथा उन्हें सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर निर्धारित शुल्क जमा करना आने वाला है, यानी वेरिफिकेशन करा के आप लोग सीट जरूर जमा करें। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो आपका सीट निरस्त हो जाएगा ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ों ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को पर सीट अलाट होगा या फ्रीज या प्लॉट, मैंने ऑलरेडी ऊपर समझा दिया है क्या है ठीक है, ध्यान से समझ लेना। फ्रीज या प्लॉट वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, फिर हमें कमेंट करोगे तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब क्लियर समझा दिया तो फिर क्यों आप लोग वही एक चीज़ सेम बार बार पूछेंगे। यानी देखिए अगर एक चीज़ और इसने सीधा सीधा बोले आपको, अगर सीट मिल गया तो आपको फ्रीज या प्लॉट करना ही होगा। अगर फ्रीज या प्लॉट दोनों नहीं करेंगे तो आपको सीधा सीधा आपका काउंसलिंग क्या होगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग तक, यानी आप लोग बाहर हो जाएंगे, थर्ड राउंड काउंसलिंग तक बाहर हो जाएंगे, यानी आपका सीट फिर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड राउंड तक ढेर सारे कॉलेज भर जाएंगे और सभी को सीट मिल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और मैंने प्रोसेस बता दिया क्या करना है। और फटाफट अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वीडियो बना दिया उसको देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर लूँगा। तो ऐसा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो यार, लाइक वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का पैसा आपको टाइम नहीं लगता है, अगर आपका इतना हेल्प हो रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।